नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस विशेषांक में हम बात करने वाले हैं हवन में हर मंत्र के साथ क्यों बोला जाता है स्वाहा, जाने इसके बारे में रहस्य। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा है इसमें। आइए हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, इनमें सबसे पवित्र अनुष्ठान हवन को माना जाता है। शादी हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, अक्सर लोग हवन करते ही हैं। दोस्तों, हवन में मंत्रों के जाप के साथ स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री अर्ध या भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि हर मंत्र के साथ स्वाहा क्यों बोलते हैं? आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको। दोस्तों, सबसे पहले तो स्वाहा का अर्थ जान ले कि आखिर स्वाहा का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, स्वाहा का मतलब है सही रीति से पहुंचाना, यानी किसी भी वस्तु को उसके प्रिय तक सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचा देना। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हवन में हर मंत्र के बाद इनका उच्चारण होता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता है मित्रों, जब तक कि हवन का ग्रहण देवता न कर ले। लेकिन देवता या ग्रहण तभी कर सकते हैं जब अग्नि के द्वारा और स्वाहा के माध्यम से आप अर्पण कर सकते हैं। दोस्तों, अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं और उनके माध्यम से यही हविष्य आहान किए गए देवता को प्राप्त होता है। स्वाहा को लेकर एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के मुताबिक स्वाहा प्रकृति की एक कला थी जिसका विवाह अग्नि के साथ हुआ था। स्वाहा को भगवान श्री कृष्ण ने खुद यह वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य अर्थात भोजन को ग्रहण कर पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि स्वाहा का शब्द क्यों यूज होता है और किसी भी हवन में या किसी भी मांगलिक कार्य में हम स्वाहा का उच्चारण क्यों करते हैं। तो इस तरह की ऐसी तमाम रहस्यों को जानने के लिए और तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों, हम ऐसे वीडियो समय समय पर लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।